Ladies and gentlemen, very warm welcome to the 57th module, which is about the community participation in a social entrepreneurship. Social change, social pattern, social behavior, social attitude, social culture, social norms, social uh, development, or ultimately is to human development. हमने आंटरप्रन्यरशिप को जब शुरू किया तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारे हमने मामला में देखा कि इकोनमिस्ट जो हैं वो इसके अंदर इन्फ्लुएंशियल नज़र आए हमने उसके पार्शियल पार्ट्स को लिया और बिल्कुल दुरुस्त है कि प्रॉफिट मोटिव्स तो हैं प्रॉफिट बेनिफिट्स नहीं होंगे और अगर हमारे पास फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं होंगे तो हम किसी भी चीज़ की सर्कुलर इकोनमी को डेवलप नहीं कर सकते इसके बाद से हमने जो है वो मुख्तफ केस स्टडीज़ की मदद से और मैंने कोशिश की कि वर्बल आपके सामने वर्बल एग्ज़ैम्पल्स ऐसी रखी जाएं जो रोज़मर्रा की हों और हमने कोशिश की कि सेक्रेट स्क्रिप्चर्स में से हम बहुत सी एग्ज़ाम्पल ली जा सकती थी जिनके अंदर हम यानी बाइबल से भी ले सकते थे बाकी आ, जो डिवेनिटी बेस्ड किताबें उन भी ले सकते थे जो हमारी प्रिवेलिंग बिजनेस किताबें उन भी ले सकते थे लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस जो रखा वो कुरने मजीद से रखा अच्छा हमने ये भी देखा कि जब हम थेरीज़ को देख देख रहे थे तो छः के बाद हमने देखा कि बहुत सारी जो है वो एक दो के करीब जो साइकोलॉजी के ऊपर बेस करती हैं कुछ सोशल बेस में और कुछ फिजियोलॉजिकल बेस में लेकिन कलेक्टिवली हमने जब ऑर्डर को देखा तो इनका समझ में ये आया कि आंट्रप्रोर का एक पूरा एक हिस्ट्री जो बनाने का मकसद था वो बुनियादी तौर पर यानी उसका एक बेस लाइन अगर समझें तो वो ये है कि मल्टी डायमेंशनल ऑर्डर को डेवलप करना जब तक हम मल्टी डायमेंशन किसी एक रुख को अगर देखेंगे तो बिजनेस की तरफ जाएगा दूसरे रुख को देखेंगे तो प्रॉफिट की तरफ जाएगा तीसरे रुख को देखेंगे तो आउटपुट की तरफ जाएगा चौथे रुख को देखेंगे तो वो हमें किसी और रास्ते पे लेकर जाएगा अच्छा कहते हैं वन देर इज़ नो वे देर इज़ अनदर वे और देर इज़ अ बेटर वे सहराओं के अंदर अगर आप देखें तो जिस तरफ हवा चलती है रास्ता उस तरफ बनता कई बार एक देखा गया है कि जब कोई रास्ता नहीं होता तो एक और रास्ता बन जाता आंट्रप्रन्य के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं वो ये कि जब कोई रास्ता नहीं होता तो एक अलग रास्ता बनता है तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट ये वो रास्ता है जब बिजनेस प्रॉफिट से आगे गया बिजनेस अचीवमेंट से आगे गया बिजनेस मोटिव uh, से आगे गया बिजनेस पावर से आगे गया बिजनेस इन्फ्लुएंस से आगे गया बिजनेस जो है वो अपनी ताकत अपनी अजारा अपनी सरमादारीत इससे आगे गया या बिजनेस थोड़ा सा बेहतर जब होना शुरू हुआ तो उसने एक नई टाइम लेना शुरू की यानी अवामी आगाही का शूर आ गया और वो शूर जब आया तो उसको जो है उन्होंने कम्युनिज्म का नाम दिया फिर उसके बाद उसको सोशलिज्म का नाम दिया सोशल social से सोशलिज्म तक तो पहुंच गए लेकिन सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं पैदा हुआ था इन एनी केस छोटा बिजनेसमैन भी जब बनता था तो उसका एटीट्यूड वही सरमायादारीत वाला होता था यानी वो एम्प्लॉयज को पैसे ही दिया करता था लेकिन उसके अंदर जो हॉरिजोंटल लिंकेजेस डेवलप होने थे शेयरिंग कैपेसिटी डेवलप होनी थी विजन का शेयर होना मिशन का शेयर होना एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करना शेयर बेस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का डेवलप होना ये मिसिंग था फिर जब ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू हो गई तो उन्होंने कहा कि ये सोशल बिहेवियर कहाँ पर है ऐसा तो बिहेवियर नहीं देखा गया फिर एक एग्जाम्पल जैसे मैं अब अब अर्ज करने लगाऊँ कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं था हाँ ये जरूर था कि उनके ऊपर एक लागू कर दी गई कि आप जो है वो अपने जो है वो सोसाइटी के लिए भी काम करें तो चंद राउंड अबाउट्स के ऊपर ग्रीनरी लगा देना लेकिन अपने साथ ब्रांड्स भी लगाना यानी छुप के नहीं यानी सोशल बेनिफिट्स के लिए अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए उसको इस्तेमाल किया जिसको एक अलग टर्म के साथ उन्होंने कॉइन भी कर दिया लेकिन आंटरप्र्योर बकायदा तौर पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे करता है उसके बारे में तो सोचा नहीं ऐसी जगह पर जहां पर फॉर एग्जाम्पल झोंपड़पट्टी हो और वहां पर आप जूतों के कारोबार शुरू करें और वहाँ के सारे बच्चे वहाँ के सारे लोग चाइल्ड लेबर से हट कर बात कर रहा हूँ हर चीज़ को उस तरफ लेके जाना नहीं चाहिए लेकिन जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात करते हैं कि भाई फिर आप लोग जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के सारे लोग आ जाएँ और अथोपिया के बच्चों को खाना भी दे जाएँ अगर आप इतने ज़्यादा चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे लेबर लेंगे हम उनके और सिखाने की बात कर सकते हैं जैसे मैं एग्जांपल देने लगाऊँ कि एक कंपनी लगाई गई और उसके साथ जो जूते बनाए गए झोंपड़पट्टी के सारे लोग जूते बनाते थे और जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया कि साथ में ही जो है वो स्कूल डेवलप कर दिया इधर जो है वो जो लोग ब्रेक लेते थे मुख्तलिफ जैसे ही ब्रेक होती थी वो उनको उतने उतने सेक्शंस पढ़ा दिया करते थे यूँ एक बिजनेस हुआ उनसे उन्होंने बिजनेस ली सस्ती लेबर ली खाना भी बनाया गया बच्चों को भी पढ़ाया गया और ये एक ऐसा केस स्टडी जो है वो हमारे इसी पाकिस्तान के अंदर है इसी तरीके से एक और केस स्टडी बनी जिसके अंदर से पूरे रेस्टोरेंट्स का खाना जो है उसको जमा किया गया और सारे वेस्ट को साफ सुथरे खाने को अलग करके साइड पर रख दिया गया और उसके नाम अब फिर अगेन में वो नाम नहीं लेता लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन ने अब एक रक्शे से शुरू किया बेशुमारक्शे आए फिर वैन् आ गई और सारे रेस्टोरेंट से खाना कलेक्ट करके लोगों के घरों से खाना कलेक्ट करके उन जगहों पर पहुँचाना शुरू कर दिया जहां के ऊपर लोगों को वो रिक्वायरमेंट थी सो so अब आप देखें कि तकरीबन जो है जो खाने वाला खाना है वो 60 से 70 परसेंट पूरी दुनिया के अंदर जाया होता है ये कैसी अजीब बात है कि किसी जगह तो गंदम नहीं है और किसी जगह तो खाना जाया हो रहा है आगे हम देखते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो बिजनेस कम्युनिटी के पास नहीं था वो लंगर दे सकते हैं वो सदक दे सकते हैं वो खैरात देते हैं लेकिन कभी भी टैक्स पे नहीं करते वन दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या सोशल इंटरप्राइज शुरू नहीं करते वो उस गरीब तबके को अपना हिस्सा नहीं बनाते इसको जब आप हिस्सा नहीं बनाएंगे तो क्या होगा लेस मूव ऑन टू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विच इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटीज इन इनिशिएटिंग और प्रोजेक्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जैसे मैंने अर्ज किया कि आप उसको अपना हिस्सा बनाएं उस कम्युनिटी को अपना हिस्सा बनाएं आप भी जब बिजनेस शुरू करने लगेंगे और जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस कोर्स को समझने के बाद एक तो आप याद रखिए कि कैलकुलेशन और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन प्रॉफिट प्रॉफिट मैनेजमेंट बिजनेस बिजनेस मोटिव उन्हीं से सीखिए जिनसे बिजनेस सीखते हैं लेकिन प्लीज अपने दिमाग को मोल्ड करके आगे की सोचिए आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और मैं बार बार यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मैं आपको डेवलपिंग नहीं कहूंगा मैं आपको अंडर डेवलपिंग भी नहीं कहूंगा मैं आपको थर्ड वर्ड कहूँगा ताकि ये हमें टॉन्ट लगे और हमें समझना होगा और समझना होगा कि हमें किस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लेकर आना है अब यहाँ देखें इसको करते हैं फ्रॉम द प्रपोजल डेवलपमेंट स्टेज इस क्लेम टू ऑफर बेटर बेनिफिट्स फॉर द कम्युनिटीज़ तो कम्युनल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यानी उनको अपने साथ स्टेजेस में इन्वॉल्व कीजिए आप चमड़े का कारोबार कीजिए आप अपनी इंडस्ट्री छोटे यूनिट कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी जगह लगाइए जहाँ झॉपड़ पट्टी है वहाँ पर लगाइए जहाँ पर देहाती लोग हैं वहाँ पर लगाइए जहाँ पर जो है वो डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पर लगाइए और अपने रिसोर्सेज वहाँ के लेके जाइए और अपना भी घर वहाँ पर एक बना लीजिए इस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा मैं रोल ऑन करता हूं जी एट द वेरी कोर ऑफ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द इंटेंशन आपकी इफ़ यू हैव द राइट इंटेंशन टू इनहेंस